आने वाले कुछ ही महीनों में देश के अंदर आम चुनाव होने जा रहे हैं, लोकसभा का 2024 का चुनाव होने वाला है, जहां एक तरफ देश में छोटी बड़ी सभी पार्टियां चुनाव की तैयारी कर रही हैं, वहीं किसान जो है धरने पर बैठा हुआ है। जब हमारे को युद्ध होता है, चाहे चाइना से हो चाहे पाकिस्तान से हो, हमेशा तैयार रहते हैं, और ये हमारे अन्नदाता हैं। और आने वाली परिस्थितियां इस तरीके से हो गई है कि सरकार को इनसे बात करनी चाहिए थी, क्योंकि ये एक दिन का तो मामला नहीं हुआ, इसको कई साल लग गए हैं। जब किसानों को हद हो गई तो उनको आना पड़ा बॉर्डर पे। और रही 2024 की तैयारी, हमारी कोशिश ये है कि पूरे देश के अंदर हम साफ सुथरी छवि के जो पढ़े लिखे लोग हैं, मजदूर लोग हैं, किसान हैं, उनको प्रत्याशी बनाएंगे और कोशिश करेंगे इस राजनीति को सुधारने की, क्योंकि जनता जनार्दन का जो आदेश होगा उसे दिल्ली जनता पार्टी पालन करेगी। और हमारी पार्टी में कोई परिवारवाद नहीं है, कोई राष्ट्रीय इस प्रकार का कोई परिवार का व्यक्ति नहीं है कि जो बड़ा नेता हो। सब हम सब किसानों के, मजदूरों के बच्चे हैं। और मैं अपने मात्र दिल्ली की पार्टी नहीं है, पूरे भारतवर्ष में जो भ्रष्टाचार और जो आम आदमी की पहुंच से दूर वस्तुएं हैं उनके लिए बनाई गई है। आज दिल्ली जनता पार्टी आप सब लोगों के सामने कुछ मुख्य विषयों पर अपनी बात रखना चाहती है। अपने क्षेत्र में जो भी समस्या है उसको उठाएं, और प्राइवेट मतलब सरकारी नहीं है, प्राइवेट एजेंसी है वो सही कर रही है, क्योंकि ऐसे भ्रष्टाचारियों को ढूंढ ढूंढ के निकालना चाहिए और जनता के सामने उनको पेश करना चाहिए। हम लोग देखते हैं कि जब भी हमें जरूरत पड़ती है, सबसे पहले अगर बच्चा अगर स्कूल में दाखिला कराना हो तो हमें बहुत जगह जाना पड़ता है, सिफारिशें करानी पड़ती हैं, धन देना पड़ता है, तब जाकर चाहे वो स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे कोई इंस्टीट्यूट हो, उन सब के लिए हमें या तो बहुत मोटा पैसा देना पड़ता है, या शिक्षा में हम ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर तो शिक्षा अच्छी है और वहाँ अच्छी अलग है। तो हमारी पार्टी अगर सत्ता में आती है और आप सभी लोग सहयोग करते हैं, तो हमारा पहला उद्देश्य जो रहेगा वो रहेगा कि शिक्षा पद्धति सब जगह समान हो, और आपके नजदीक में जो भी घर है वहां पर आपको, चाहे वो पब्लिक स्कूल है चाहे वो सरकारी स्कूल है, उसमें इजीली एडमिशन मिल जाए। आप लोग देखते हैं कि आप कई कई महीने कई कई अधिकारियों के पास जाते रहते हैं, लेकिन वहां पर सिवाय उनके पीए के ये कहने में मिलते हैं कि हाँ साहब को दे दिया और वो चिट्ठी आपकी उठाकर डस्टबिन में डाल दिया। हमारा दिल्ली जनता पार्टी का सबसे पहला जो उद्देश्य रहेगा जवाबदेही। आज से पहले बहुत सी सरकारें आई, उन सरकारों ने वादे तो किए, चुनाव के समय वो आपसे नौकरी मांगने आते हैं, हाथ जोड़ते और कहते हैं कि हम आपके पास मिलेंगे, हम आपके पास जाएंगे। परंपरागत राजनेता नहीं है, हम सब लोग आपके जैसे आपके बीच के आए हुए एक साधारण एक आम लोग हैं। बॉर्डरों पर, दिल्ली हरियाणा के बॉर्डरों पर किसानों ने अपना डेरा लगाया हुआ है, वो धरने पर बैठे हुए हैं, उनकी कई सारी मांगे हैं। और उन मांगों के साथ साथ में आपको ये भी पता है कि एक तरफ किसानों का धरना, एक तरफ राजनीतिक पार्टियों की चुनाव के लिए अपनी अपनी तैयारियां, इन सब के बीच में अगर आप गौर से देखेंगे कि राजनीतिक दलों में जो परंपरागत राजनीतिक दल हैं, जो पिछले 85 सालों से देश के अंदर काम कर रहे हैं, उनमें जो राजनेता थे उनके चाल चरित्र और उनकी नीयत पर अब किसी को भी कोई भरोसा नहीं। तो पूरे विश्व के अंदर किसान आंदोलन कर रहे हैं, नीतियां हैं कि लागत उनकी 1 रुपया है और सरकार उन्हें मिनिमम जो प्राइस दे रही है वो 40 पैसे दे रहे हैं, तो 60 पैसे अगर ज्यादा उसकी लागत होगी तो कर्जदार होगा, और जब कर्जदार होगा तो वो आप जानते हैं कि जब पैसा नहीं दे पाएगा या तो वो देश छोड़ के भागेगा और या फिर आत्महत्या करेगा, क्योंकि देश छोड़ने की हिम्मत यहाँ नहीं है। वो तो बड़े बड़े उद्योगपति, अभी मैं आने से पहले पढ़ रहा था कि एक 65,000 करोड़ रुपए एक व्यक्ति ने लिए और उसको 50,000 करोड़ माफ कर दिए गए। तो ये विडंबना हमारे देश की है,
नेताओं की आपसी भगत है, जैसे कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ बॉन्ड है वो देकर और इस तरह से चोरी छिपे कहने के लिए एक नंबर में बॉन्ड लिए गए हैं, लेकिन वो जिसने दिए उसका नाम नहीं आता, वो भ्रष्टाचार है, करना नहीं चाहता, सिर्फ गुणगान ही करके वोटों की तरफ जाते हैं। हमारा मेन मकसद दिल्ली जनता पार्टी का ये रहेगा कि दिल्ली जनता पार्टी, जनता बोले तो जो पब्लिक है उन्हीं के लिए पार्टी है, और भारत की राजधानी दिल्ली है, उसी के नाम से हमने दिल्ली जनता पार्टी नाम। 24 के इलेक्शन को कैसा मुंह देना है इसकी बात करूंगा। आज हमारी दिल्ली जनता पार्टी संपूर्ण भारत में हर राज्य में अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। जोशी जी, सभी पार्टियां यही कहती है सत्ता में आने से पहले कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, शिक्षा व्यवस्था अच्छा करेंगे, आप कुछ नया तो नहीं कह रहे हैं? देखो जी, उनके और हमारे कहने में फर्क ये है कि हम लोग जमीन से निकले हुए हैं, हमें मालूम हो तो कुछ पल के लिए आते हैं, और हमें ये नहीं कि आज हम आ रहे हैं कल नहीं। हम तो अगर हम लोग ही उनको कुछ भ्रष्टाचार करने को कुछ नहीं करेंगे तो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। भ्रष्टाचार का मूल ये है, हम लोग ही है जो है। आप लोग देखेंगे उनका सिर्फ काम ही है शिक्षा के ऊपर काम कर रहे हैं, और दिल्ली के हिंदुस्तान के बड़े बड़े उद्योगपति उसके ट्रस्टी हैं, वो लोग जाते हैं और अच्छे अच्छे स्कूलों के टीचर्स को फेल करके आते हैं। आपका बहुत ये बड़ा सवाल है कि जो योग्य है उसको ना तो नौकरी मिलती है ना वो पढ़ा पाता है, यही एक मेन कारण है, और इसी का हमने सबसे पहले पॉइंट रखा कि शिक्षा अगर ठीक हो जाएगी तो उसके बाद बोलना आ जाएगा और भ्रष्टाचार चिड़िया की तरह उड़ जाएगा। सर, दिल्ली जनता पार्टी यदि चुनाव में अपने कैंडिडेट उतारती है, जैसे आपने कहा कि अभी लोकसभा चुनाव में आप उतारने जा रहे हैं, आपको रजिस्टर्ड आपकी पार्टी है क्या? हमारी पार्टी कई वर्षों से रजिस्टर्ड है। अच्छा। और क्योंकि हमने दो चुनाव लड़े थे तो हमारे उतने मत नहीं आए थे, तो इस बार पहली बार हम लोकसभा में जा रहे हैं और पूरे प्रांतों में हम लोग अपने कैंडिडेट उतार रहे हैं। आपको आने वाले समय में हम चुनाव चिन्ह भी बताएंगे और क्या क्या हमारी प्रणाली है वो आपको। एक जो 2024 के चुनाव है जी, उसी के उद्देश्य से हमने आज मीटिंग रखी थी जी, और पूरे भारत के अंदर हम अपने अपने लक्ष्य उतार रहे हैं, और देश की जो आज स्थिति है उसको देखते हुए दिल्ली जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार जो भी है जो हमारे पूरे देश में उनको चुनाव लड़ने के लिए करेगी। हमारी पार्टी किसी से बदला लेने के लिए नहीं उतर रही, हमारी पार्टी देश की सेवा के लिए उतर रही है। देश के 140 करोड़ लोगों की पार्टी है, इसका किसी से कोई बैर नहीं है, लेकिन जो गलत करेगा, जो भ्रष्टाचारी, उसको जेल जाना पड़ेगा। उसमें कहीं कोई किसी के साथ कोई समझौता नहीं है, चाहे मेरा है। मैंने अभी आपको जब मैं बोल रहा था तो मैंने ये कहा था कि हमारी जो पार्टी है, हमारे जो वॉलंटियर हैं, वो कोई पेड वॉलंटियर नहीं है। हम लोग आपस में जाएंगे और जो व्यक्ति हमारे मैनिफेस्टो को पढ़ता है, उनको लगता है कि ये ठीक है, तो हम कहते हैं कि अगर आप हमें वोट देना चाहते हैं तो एक रुपया साथ में जरूर दें, जिससे कि हम जीत पाए। हमारे पास कोई किसी को पार्टी देने के लिए पैसा नहीं है, हम कोई पैसा किसी को फंडिंग करने वाले नहीं है, हम बड़े बड़े होर्डिंग लगवाने वाले नहीं है। हमारा एकमात्र साधन सोशल मीडिया रहेगा, आप लोग का सहयोग रहेगा।